योगी जी अच्छा तो कहा है कि बटोगे तो कटोगे, वो किसको कहा है? उन्होंने कहा कि जो मनुवादी 15% 10% हो, अगर तुमने बट गए तो बहुजन काटेगा, और अगर बहुजन के लिए कहा है जिसमें मिर्ची लग रही है तो बहुजन तो बटे हैं और बटेंगे तो और कटेंगे। तो ये बटे और कटने का जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति का इस तरह की स्टेटमेंट है, ये एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए, ये अशोभनीय है। और इस आधार पर देश के प्रधानमंत्री ट्विस्ट करते हैं कि नहीं, अब बटेंगे कटेंगे नहीं, अब जुड़ेंगे जोड़ेंगे। तो किसको जोड़ेंगे आप, किसको जोड़ेंगे? जिसको आपने दलित कहा, जिसको आपने जो है छूद्र कहा, जिसको ओबीसी बनाया, जिसको आपने 6,737 जातियों में बांटा, आज उसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके हक अधिकार को तो दीजिए ना आप, रोजगार दीजिए ना आप, 15 लाख दीजिए ना, 2 करोड़ देने की बात किया था कीजिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के राज्य में यूपीपीसी के स्टूडेंट कह रहा है कि एक शिफ्ट में एक दिन एग्जाम होगा, अब आप कह रहे हैं हाँ ठीक है हम मानते हैं आज हुआ है, लेकिन ये मांग क्यों थी? क्योंकि आप जो है क्लीम लेयर से छुपा कर करके अलग अलग दिनों में एग्जाम ले करके आप मनुवादियों को वीआईपी को आप जो है पास कर देते हैं, उनको नौकरी दे देते हैं। तो मध्यम परिवार, गरीब का परिवार, मजदूर का परिवार जो पढ़ता है तैयारी करता है कहाँ जाएगा? आप बुलडोजर चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है रोक दो, कितना घर गिर गया उसका मुआवजा कौन देगा? वो कितनी मेहनत मजदूरी से किया, आप जो है इनकाउंटर कर दिया, कितने लोग मर गए, उसकी जिंदगी आपको दे देंगे क्या? आपने पार्लियामेंट में रोए थे योगी जी, आपने मिर्जापुर में रोए थे योगी जी, आप भूल गए? कल भी आपकी सत्ता जाएगी, आपको दूसरे लोग जो कह रहे हैं हमारा वक्त आएगा हम बदला लेंगे, तो क्या यही लोकतंत्र की आवाज है? क्या यही संविधान कहता है? क्या यही कानून कहता है? ये सब सत्ता के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए, आज सबको जो है अंग्रेजों का था डिवाइन एंड रूल, आज तोड़ रहे हैं। बहुसंख्यक बहुत सारे पार्टी, आज मैं अंबेडकर भवन में आया हूँ, बहुत सारे पार्टियाँ मिल करके कि हम एक अपने अधिकार लेंगे, लेकिन ले कहाँ रहे हैं? तो यही हालत हमारे उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों में एका नहीं है, और जो आ रहे हैं उसको डॉन चला रहा है, उसको जो है कॉरपोरेट चला रहा है, या केंद्र सरकार जो है अपने इशारे पे चला रहा है। तो योगी जी जो है जिनको स्वच्छता के साथ जो दुनियादारी से हट करके एक योगी थे और उनको जो अच्छा जो है सुशासन देना था, अच्छा राज करना था, वहाँ पे वो इशारे इशारे में काम कर रहे हैं, लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। तो वो जो छवि योगी जी का बना था अब वो भोगी जी का बन गया है, अब भोगी, अब योगी नहीं वो भोगी हो गए हैं, और वो किसी न किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। नहीं, वो हरजन में जहाँ वो आप सनातन की बात कर रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या योगी जी हरिजन नहीं है? हरि के जन नहीं है? वो पहले ये क्लियर कर दें कि योगी जी हरिजन है या नहीं है, राजपूत है, मोदी जी हरिजन है या नहीं है। तो इस तरह का जिस पे बैन लगा हो, जिस पे आप उसको डिवाइन एंड रूल, आप टुकड़ा टुकड़ा एक समाज को बांटते हैं कि क्षुद्र को हरिजन कहेंगे, बाकी हरिजन नहीं होगा। अरे जो जितने भी हमारी आबादी देश की है 141 करोड़, सब हरिजन का है, कोई अल्लाह कहे, कोई हरिजन जो हरि कहे, कोई भगवान कहे, कोई गॉड कहे, लेकिन सब उन्हीं का जन है। और अगर इस पे बंटवारा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भगवान को बांट रहे हैं, आप तो पब्लिक को बांट ही रहे हैं, लेकिन आप भगवान को भी बांट रहे हैं, धर्म को भी बांट रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, ये सेकुलर देश है, ये संवैधानिक तरीके से चलता है, इसको छिन भिन कर करके आप मनमानी करना चाहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं, इटलो हिटलरगिरी कहते हैं, और इस तरह से देश जो है धरातल रसातल में जाएगा। और इसे बचाने के लिए हमारी जो 65 करोड़ युवा युवती हैं, नए जो सोच विचार के लोग हैं, वैज्ञानिक सोच विचार के लोग हैं, उनको आगे आना होगा, और ये तमाम जो घिसे पीटे लोग हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। ये तो तानाशाह है कि हमारी छोटी छोटी नौहान नौहाल बच्चियों को पैरों पे हाथों पे मारा गया और लड़कों पे मारा जा रहा है, तो आप ये हिटलरगिरी कर रहे हैं। आप जो है
देश के अंदर शासन कर करके नहीं, बल्कि आज नौजवान जो है यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी कहलाता है। आपका अभी कल ही आपका 14 नवंबर गया जहां बच्चों का चिल्ड्रन डे मनाया गया। नेहरू ने कहा था बच्चे ही भविष्य बनते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे राष्ट्रपति ने कहा था बच्चे ही भविष्य बनते हैं, लेकिन बच्चे को अगर आप मारेंगे, शोषण करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, दबाएंगे, कुचलेंगे, गलत रास्ता पे ले जाएंगे तो आपका भविष्य, देश का भविष्य बेड़ा गर्क होगा। यदि वो कांवड़ लाते हैं तो उनको ऊपर फूल बरसाए जाते हैं सावन के महीने में, अधिकार मांगेंगे लाठी मिलेगी बदले में। बिल्कुल सही कहा कि अधिकार मांगेंगे तो डंडा पड़ेगा, और अगर आप जो है कचौड़ी पकौड़ी मांगेंगे, शराब मांगेंगे, अशिक्षा पढ़ना नहीं है, स्वास्थ्य बीमार होंगे तो हम खूब देंगे। और यही वजह है कि जब कोरोना में इतने सारे मरे तो अब देश के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलने जा रहा है, तो आज हमारे मरने पे अवार्ड मिलता है। आप हमारा मिथुन चक्रवर्ती जहां तोड़ते हैं, जहां पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको जो है दफन कफन करने की बात करते हैं, उनको फाल्के अवार्ड मिलता है, तो आप योगी जी को भी बहुत सारे अवार्ड मिलेगा। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोग जो नफरत कर रहे हैं उनकी जो है मूर्तियाँ बना के भी पूजा भी करें। ठीक है, देखिए वो बड़े सुलझे हुए भद्राचार्य जी हैं, माने हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखा और हमारे एक आस्था का भी हैं, धर्म से हमें जुड़े हैं। तो उन्होंने जो कहा कि आर्थिक रूप से बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक रूप से हो, चूँकि बहुत सारे OBC और पिछड़े में जैसे रामविलास पासवान के चिराग पासवान को आरक्षण की ज़रूरत क्या है, आज जीताराम को आरक्षण की क्या ज़रूरत है, मीरा कुमार को क्या आरक्षण की ज़रूरत है, तो जो क्रीम लेयर में यानी ऊपर पहुंच गए हैं, हाई पे पहुंच गए, उनको ना मिलके जो गरीब हैं, जो नीचे हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाबा अंबेडकर ने कहा था कि ये आरक्षण का एक सीमा तक वो रहेगा, लेकिन फिर योग्यता भी हमारे सामने आनी चाहिए, नहीं तो देश चरमरा जाएगा। लेकिन ये सब राजनीति का अखाड़ा बना लिया है, और यही वजह है कि हर एक व्यक्ति आप जिससे भी मिलेंगे वो कहेगा मैं फलना पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं फलना पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं फलना संगठन चलाता हूँ। तो ये सब झोला छाप बन कर करके देश को टुकड़ा कर रहे हैं, ये बटे हुए हैं, और यही वजह है कि देश को अच्छा जो देशभक्त हो, जो समाज को कुछ दे सके, ऐसा हमारे बीच में नेता पैदा नहीं ले रहा है। और अविश्वास की वजह से हमारा देश जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हो गया है, तो इसे बदलना होगा। और खास करके जो उत्तर प्रदेश की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो वो उत्तम राज तब होगा जब वहाँ पे हम सहिष्णुता के साथ हम तमाम जातियों प्रजाति के लोग मिल करके के, चाहे अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इमामबाड़ा हो, चाहे अन्य जगह हो, उन तमाम लोगों को हम मान सम्मान इज्जत के साथ साथ चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तम हो सकता है। जो इन्फोसिस के जो है अधिकारी हैं, नारायण मूर्ति प्राइवेट कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो UPSC से चुने जाते हैं ना ISPCS, ये ख़त्म हो और कॉलेजों से डायरेक्ट और यूनिवर्सिटी से लाए जाएं, कंपनियों से लाए जाएं, प्राइवेट कंपनियों से जो ISPCS हैं। ये इस तरह की बातें करना, इतने बड़े सारे बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, बहुत भारत के अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी से लाएंगे तो क्या पता उनको नंबर हो, या उनके बड़े नेताओं का, उनके जज का बच्चा हो, जैसे कॉलेजियम का जो सिस्टम है हमारे न्यायपालिका में, तो वहाँ पे अपने बच्चों को, वहाँ पे मनुवादियों को भर दिया है, वहाँ पे नीचे के लोग का, क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या दलित के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्या मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्या OBC के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुँह देख करके बात होता है। तो मुँह देखा देखी अगर राज करना है तो आप, इसका मतलब है कि राजतंत्र लाना चाहते हो, सनातन युग लाना चाहते हो, और आप लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हो, संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, तो इस तरह कि मानसिक सोच वाले मानसिक गुलाम हैं, उनको बदलना होगा और तमाम लोगों के हक अधिकार के लिए समानता और भागीदारी देनी होगी।